नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, जहां यूपी के फतेहपुर में एली प्रयोगशाला सहायक संघ का द्विवार्षिक अधिवेशन चुनाव मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में चुनाव अधिकारी डॉक्टर मनीष शुक्ला ने संपन्न कराया। द्विवर्षीय के हुए चुनाव में अध्यक्ष पद पर संजय वर्मा को निर्विरोध चुना गया है। वही अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां जमीयत उलेमा ए हिंद के पदाधिकारी ने हरियाणा और मणिपुर और ट्रेन हिंसा को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ये देश मोहब्बत से बना है और नफरत इस देश की दुश्मन है। हमें अपना देश जोड़ना है, इसलिए नफरती लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जमीयत उलेमा हिंद के ये वर्कर से है, इन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम जिलाधिकारी महोदय को एक मेमोरेंडम दिया है कि मेवात इस वक्त जल रहा है और कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर हिंदू और मुसलमानों को भड़काने का काम किया है और वहाँ के हालात जो है बहुत संगीन है। हमारी राष्ट्रपति जी से हमारा मुतालबा ये है कि जो दंगाई है वो कोई भी हो और किसी भी समुदाय का हो, उसके खिलाफ़ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा आयोग आश्रय विभाग की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई, जहां जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने खाद्य सुरक्षा से जुड़े दुकानदारों को जरूरी दिशा निर्देश दिए, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर खाद्य सामग्री मिल सके। खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जो है सख्त निर्देश दिए गए कि सभी जो है दुकानदारों को जो खाद व्यापार से जुड़े हुए हैं जागरूक किया जाए मिलावट के प्रति, और जो लोग मिलावट करते हैं उनको जो है किसी भी कीमत पर छोड़ा ना जाए। रैंडम चेकिंग की जाएगी, वैसे विभाग द्वारा रैंडम चेकिंग की जाती है, लेकिन आगे भी कंटिन्यू रैंडम चेकिंग की जाती रहेगी। जो भी दूध की डेयरियाँ हैं, मिठाई की दुकानें हैं या जो भी जिस तरह की हैं, सब पे कंटिन्यू चेकिंग लेके भी कोई आदेश टीम सामने की है। डेयरियों पे जो है दूध की चेकिंग के लिए डीएम साहब ने आदेश दिया है। वही अगली खबर आगरा से है, जहां आगरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां जाली नोट बनाने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने 3 नटवर लाल को गिरफ्तार किया है। नटवर लाल बाजारों में नकली नोट को चलाने का काम करते थे, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर दीपक, दीपेश और हेमंत को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से लगभग 17,000 की जाली नोट और एक प्रिंटर को भी बरामद किया है। नकली नोट वाला मामला क्या है? कल थाना शाहगंज क्षेत्र में सूचना मिली कि कुछ लड़के हैं जो नकली नोट को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दुकानदार ने शिकायत की, इस पर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें दीपक, दीपेश और हेमंत 3 लड़के पकड़े गए। उन्होंने बताया कि एक जन सूचना केंद्र की आड़ में वो नोट छापने का काम करते थे। पुलिस ने जब छापा डाला जन सूचना केंद्र में, तो वहाँ से 18,000 की नोटें बरामद हुई। 100-100 रुपए की नोटें थी जो वहाँ पे वो प्रिंटर से स्कैन करके निकलवाते थे। अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहाँ भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की एक बैठक जिलाधिकारी कार्यालय पर उपस्थिति में संपन्न कराई गई, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 709 AT को लेकर रामपुर तिराहे पर 36 दिन से चल रहे धरने के संबंध में वार्ता की गई। इतनी गड़बड़ है कि किसानों को बहुत परेशानी हो रही। सैकड़ों किसानों के खेत की जो सिंचाई की नाली थी वो बंद कर दी गई। अवैध खनन जोरों पे है। अगर किसान जो है एक ट्रॉली मिट्टी ले जाए तो उस पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना है। और अगर आप यहाँ से जाके देखें कछौली और बाननगर पिन्ना, इन गांवों में 20-20 फीट मिट्टी उठा दी। और जिस तरह से बारिश का मौसम है, जैसे अभी छपार में 2 बच्चे डूब के मर गए, तो हालात ये है कि उन गड्ढों में 20-20 फीट पानी भरा हुआ है। अगर कोई दुर्घटना हो गई तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? ने दबंगों के खिलाफ थाने में तहरीर भी दी पुलिस ने, लेकिन युवक की सुनी नहीं।
वहीं पुलिस ने शिकायतकर्ता को उसके पिता को थाना में बैठाया, दोनों का 151 का चालान भी किया। वहीं दबंगों द्वारा युवक के साथ मारपीट करने का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वही अगली खबर एटा से है, जहां अलीगंज के सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के नौकर अपने पूर्व में जिला पंचायत एटा के अध्यक्ष रहे राजकिशोर उर्फ राजू को कुट वृचित तरीके से जिलाधिकारी एटा के फर्जी हस्ताक्षर और मोहर लगाकर पूर्व विधायक की विधायक निधि से किसी फर्म को दिए गए 35,50,000 रुपए भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में जमा करने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, इस मामले में जनपद के थाना जसरतपुर के एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जहां पूर्व विधायक द्वारा अपनी निधि का दुरुपयोग करते हुए उपरोक्त धन से किसी फर्म को फायदा दिया गया था, जिसकी सुनवाई में उपरोक्त रकम न्यायालय द्वारा जमा करने का आदेश दिया गया था। आज कोतवाली नगर कल कोतवाली नगर थाना में एक अभियोग पंजीकृत किया गया, एक चालान पर जिलाधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर जमा करने के संबंध में। पूर्व विधायक रामेश्वर यादव की विधायक निधि से 35,00,000 रुपए अपनी ही किसी संस्था को देने के मामले में जसरतपुर थाने में एक अभियोग पंजीकृत था, जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इनको ये धनराशि माननीय न्यायालय में जमा की जानी थी। वही अगली खबर फारुखाबाद से है, जहां घर में पड़ा बिजली मिस्त्री का शव मिला। बिजली मिस्त्री के शव के मिलने के बाद पूरा माहौल ही गमगीन सा हो गया। जी हाँ, उसके घर में औंधे मुंह वो बिजली मिस्त्री पड़ा हुआ मिला। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही अगली खबर हरदोई से है, जहां जिला अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। काफी देर तक हंगामा होता रहा। वही मामले की सूचना पर पुलिस ने लिखा पढ़ी की परिजनों ने कर्मियों पर लापरवाही बरतने के आरोप भी लगाए। दो सौ रुपया घूस अभी खून चढ़ा था पिछले हफ्ते में, मैंने 500-600-600 रुपए घूस दे के गया। मैं अपने आप से 3 बजे लेके आए, 4 बजे एडमिट कराया, तो बोली क्या ठीक है, बाद में बोले क्या ठीक है, मैंने कहा मैम भर्ती कर लीजिए, उन्होंने देखा तो बोले क्या ठीक है, मैं अभी भर्ती करा तो मैंने भर्ती करा दिया, मैंने कागज भी भर्ती करा के बना दिया, तो बोली मेरे बस की नहीं, तो मैंने कहा मेरे कागज बना दो, बोली ठीक है मैं अभी बना रहा हूँ, उठी बस चली गई, ना कागज बना ना कुछ बना। वही अगली खबर झांसी के मूठ तहसील से है, जहाँ सिंधी समाज के दर्जनों लोग एकत्रित होकर पहुंचे हैं, जहाँ सिंधी समाज के लोगों ने उनकी जमीन के पास से निकलने वाले नाले का बदलाव करते हुए समाज की जमीन में बनाए गए नाले और पुलिया बंद कराए जा रहे हैं। उस पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण करके नाला बना लिया है, तो अभी मैंने लेखपाल और कानूनों को बुलाया था, तो संज्ञान में आया है कि वहाँ पर जो है ठेकेबंदी के लिए उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 24 के तहत में मुकदमा चल रहा है, उसमें शायद पैमाइश हुई है, तो सारी चीज़ें मंगाई गई हैं और एक बार निरीक्षण भी करना है। कि हमारी सिंधी समाज की यहाँ पे बमरोली मोजे में एक ज़मीन पड़ी हुई है, जो कि हमारे पूर्वज द्वारा ली गई है, उस पर कुछ दबंगों ने क्या है कि उसके बगल में सैकड़ों वर्ष से नाले थे, उस नालों पे कब्जे कर लिए हैं, वहाँ पे रोड बना लिए हैं, पुलिया का निर्माण कर लिया है, और उसके बगल में हमारी ज़मीन पर नाला अवैध नाला खोल दिया है। तो इस संबंध में हम SDM साहब से ज्ञापन देने आए थे, उनको स्थिति से अवगत कराने आए थे। वही अगली खबर झांसी से है, जहां हिंदी साहित्य के पुरोधा और गहुई समाज के आराध्य कवि मैथिली शरण गुप्त, जिनकी कविताएं अनादिकाल लोगों के कानों में गूंजती रहती हैं, वही गहुई समाज उन्हें अपने आराध्य के रूप में भी मानती है, जो यहां उनके जन्म दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। राष्ट्र कवि गुप्त की जयंती पर गहुई समाज में जन्मे जनपद के प्रतिष्ठित समाज सेवी संघर्ष सेवा समिति डॉक्टर संदीप सरावगी और समस्त समिति सदस्यों ने तहसील स्थित गुप्त पार्क में राष्ट्रकवि मैथिली की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। झांसी के समीप चिरगांव में 3 अगस्त 1886 को जन्म लिए थे प्रसिद्ध राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी। हिंदी साहित्यकार के इतिहास में खड़ी बोली के प्रथम राष्ट्रकवि हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय पटल पर बुंदेली भाषा को नई पहचान दी है। इतिहासकारों के अनुसार 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। मैथिली शरण गुप्त को साहित्य जगत में दद्दा कहकर संबोधित किया जाता है। वही अगली खबर वाराणसी से है, जहां BHU विश्वनाथ मंदिर में ड्रेस कोड का चेतावनी पोस्टर लगाया गया है। हिंदुवादी संगठन ने ये चेतावनी पोस्टर को लगाया है,
वही पोस्टर लगाकर वीडियो भी वायरल किया गया है, जहां पोस्टर में मंदिर की मर्यादा बनाए रखने की चेतावनी दी गई है। मर्यादा ना रखने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। जहां ये BHU से बताया जा रहा है कि सुरक्षा कर्मियों से हिंदूवादी संगठन का झड़प भी हो गया था। पांडे, राष्ट्रीय हिंदू दल अध्यक्ष वाराणसी से। परसों हमने विश्वनाथ मंदिर के व्यवस्थापक, जो BHU के विश्वनाथ मंदिर के व्यवस्थापक महोदय हैं विनय पांडे, उनको पत्र के माध्यम से यह सूचित किया था कि BHU विश्वनाथ मंदिर के अंदर अश्लीलता फैलाई जाती है। अश्लील कपड़े पहन के, छोटे छोटे कपड़े पहन के युवक युवतियाँ अंदर बैठते हैं और वो कपल पॉइंट बना के रखे हैं। हर मंदिर की एक धार्मिक मर्यादा होती है, हर मंदिर की एक पवित्रता होती है और उसका उल्लंघन किया जाता है, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने उनको 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया था संगठन की तरफ से कि वहाँ पर चेतावनी बोर्ड बाहर लगाएं कि अंदर में इस प्रकार की अश्लील हरकत न करें और मंदिर की धार्मिक मर्यादा पवित्रता को बनाए रखें। लेकिन विश्वनाथ मंदिर प्रशासन द्वारा ऐसा नहीं किया गया और आज जब हमारे कार्यकर्ता गए तो आज भी बहुत ही तादाद की संख्या में युवक युवतियाँ अश्लील हरकत करते हुए वहाँ देखे गए, जिसके कारण नाराज होकर हमने संगठन की तरफ से आज चेतावनी बैनर बोर्ड लगाया है। बयानी खबर झांसी से है, जहां एक कार्यक्रम में आई उमा भारती विवाद दंगों पर कहा कि विवाद दंगे में कोई अपराधी बचने ना पाए, कानून को अपने काम करने के आदेश दिए गए हैं। वही सरकार को भी अपना काम करने दिया जाए, सरकार कोशिश करे कि कोई भी अपराधी छूटे ना। वही यूपी में योगी मॉडल पर बोली कि ये तो हरियाणा के खट्टर जी को तय करना है कि क्या करे, और मीडिया जन कोशिश करें कि दंगा आगे ना बढ़े, सरकार कोशिश करे कि कोई अपराधी छूटे ना। क्यों, जो योगी सरकार करते हैं यूपी में, जो गिराते हैं बुलडोजर से जो अपराधी होते हैं, ऐसा क्या हुआ, ऐसे सिस्टम होने चाहिए सर? ये तो खट्टर जी को तय करना। अच्छा, संसद सत्र नहीं चलने दे रही है, डॉट इंडिया बनी है मणिपुर को लेकर के, उसमें अब उनकी जो डिमांड है कि प्रधानमंत्री जी बयान दें, क्या उससे समाधान हो जाएगा? क्या मणिपुर की उन महिलाओं का सम्मान वापस हो जाएगा? तो इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं होता। वही अगली खबर एटा से है, जहां विद्युत विभाग की कार्यशैली से नाराज भाजपा विधायक ने जमकर लताड़ लगाई है। जहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों की विभाग के अधिकारी कह रहे थे कि अनसुनी की जा रही है, जहां आक्रोशित कस्बाइयों ने विधायक और विभाग के अधिकारियों के सामने जमकर हंगामा काटा, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों से आपसी तालमेल बनाकर कार्य करने की हिदायत भी दी गई। आज हमारे अलीगंज नगर के व्यापार मंडल की बैठक हुई थी, उसमें और हमारे चेयरमैन, क्लर्क, प्रमुख सभी लोग थे। सबसे ज़्यादा व्यापारी चिंतित थे बिजली की समस्या से। आए दिन छापामारी और जर्जर लाइनें और बिजली की सप्लाई कम, जो कि सरकार की तरफ से 21.5 घंटा आगे। वही अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां विकास प्राधिकरण ने नगर की 26 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला दिया, जिसमें मुकदमा भी दर्ज कराया जा रहा है। विकास प्राधिकरण के बुलडोजर की चपेट में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं समेत कई बड़े चेहरे आए हैं, जिनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। इसके अलावा खतौली में कई बैंकेज हॉल की भी सीज कर दी गई है, जिसके विरोध में भी इस वक्त लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्राधिकरण द्वारा करीब 26 लोगों के खिलाफ FIR के लिए भेजा गया है। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने अवैध कॉलोनियाँ विकसित की थी, प्राधिकरण ने उनमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की और प्राधिकरण की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के पश्चात इन्होंने पुनः उस पर काम शुरू किया। तो ऐसी परिस्थितियों में प्राधिकरण द्वारा ये निर्णय लिया गया कि संबंधित लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई जाए। अच्छा सर, पहले जब कॉलोनियाँ कटती हैं तो उससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं की जाती MDA की तरफ से? कार्रवाई लगातार होती है। देखिए, इसकी एक प्रक्रिया है, हम पहले अवैध निर्माणकर्ता को नोटिस देंगे, उसको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और उसके पश्चात ये कार्रवाई जो है की जाती है। प्राधिकरण पूरी प्रक्रिया के साथ अपना जो उसका जो ड्यूटी है वो पूरी कर रहा है। जैसे 26 की आपने लिस्ट जारी की है, तो क्या उनको किस तरह की रियायत भी मिलेगी सर? नहीं, अब उनके खिलाफ तो प्राधिकरण FIR करवाने के लिए कर रहा है कि प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की और उसके बाद पुनः विकसित किया उन्होंने। तो सामने दिन दहाड़े बाइक चोरी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें व्यापारी बाइक को खड़ी करके दुकान खोलने गया था। इस दौरान भगवा अंगोछा डाले शातिर चोर ने लॉक को तोड़कर बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर बाइक खोज कर लाने की मांग की है। तो जहाँ पे हम दुकान किए हैं, बेड़ी माधव स्कूल के ठीक सामने,
यहीं पे डेली बाइक लगा देते हैं यहीं पे, और सुबह 9 बजे घर से आए, बाइक खड़ी कर दी, दुकान खोली, झाड़ू वाड़ू लगाई, तो उसके बाद में देखा 15-20 मिनट बाद बाइक चोरी हो गई, सीसीटीवी कैमरे में फुटेज भी आई। थाना कोतवाली में बेनी माधव स्कूल पड़ता है, उसी के पास है प्रकरण है, जहां पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल खड़ी है उसके पास आता है, उसके बाद उसका लॉक खोलकर मोटरसाइकिल लेकर चला गया है। उपरोक्त प्रकरण में वादी की तहरीर मिली है, उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, इसमें जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। अगली खबर हरदोई के शहर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां कक्षा 10 में पढ़ने वाली एक छात्रा शोहदे से परेशान है। शराब के नशे में धुत शोहदा उसके घर पहुंच गया, दरवाजा पीटकर खुलवाने का प्रयास किया और दरवाजा नहीं खोला गया तो दरवाजे पर खड़े होकर गाली गलौज किया। जी हां, ये पूरा का पूरा घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई करने में जुट चुकी है। थाना कोतवाली में पड़ता है लाइनपुरवा, वहाँ का ये वीडियो है, जहाँ पर जो प्रतिवादी है वो वादी के दरवाजे को पटका रहा है और अपशब्द बोल रहा है। उपरोक्त संदर्भ में थाना स्तर को वादी की तहरीर मिली है, उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।